गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और स्वागत है आप सभी दर्शकों का लोकसभा चुनाव 2019 से जुड़े खास मुद्दे को लेकर। जी हां, जो मुद्दा जुड़ा है वो मुद्दा जुड़ा है बसपा सुप्रीमो मायावती की एक दूरगामी रणनीति को लेकर, जिसका खुलासा अभी हाल ही में हुआ है और इसके बाद कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में इस बात की हलचल तेज हो गई है कि क्या वाकई मायावती पर्दे के पीछे कोई ऐसी रणनीति बना रही है जिसकी अभी उन्होंने किसी को भनक नहीं होने दी है। मैं बात कर रही हूँ उनके भतीजे आकाश आनंद की। जी हाँ, आनंद जो कि उनके भाई हैं, उनका बेटा है आकाश, जिसको इस वक्त जो है मायावती के साथ काफ़ी सक्रिय तौर पर देखा जा रहा है। लंदन से एमबीए की पढ़ाई करके वापस भारत लौटे आकाश मायावती बुआ यानी बुआ मायावती से जो हैं सियासत की सारी बारीकियाँ सीख रहे हैं, ABCD सिखा रही हैं मायावती, वोटिंग समीकरण से लेकर दावपेच सब कुछ सिखा रही हैं, सारी ट्रेनिंग दे रही हैं आकाश को। और अखिलेश यादव जब हाल ही में लखनऊ स्थित मायावती के आवास पर उन्हें जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे थे तो वहां पर भी आकाश की मौजूदगी देखी गई थी। इसके अलावा वो सहारनपुर से लेकर मेरठ में भी नजर आए थे मायावती के साथ। तो कुल मिलाकर क्या आकाश के दम पर अब बहुजन समाज पार्टी युवा वोट बैंक को रिझाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि आप देखिए, खुद राजनीति में आपकी बीजेपी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो हमेशा युवा वोट बैंक पर जोर दे रहे हैं, अखिलेश यादव खुद युवा नेता है, राहुल गांधी, सचिन पायलट, और ऐसे में अगर बात की जाए बाकी दलों की तो उनमें कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव युवा नेता हैं। एक बहुजन समाज पार्टी की कमी खल रही थी कि उसमें कोई युवा नेता नहीं है, तो ऐसे में अब आकाश आनंद को उत्तराधिकारी के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मायावती ने अपने बसपा नेताओं से कोऑर्डिनेटर की मीटिंग में आकाश से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा था कि ये पार्टी का कामकाज देखेंगे। तो ऐसे में क्या वाकई पर्दे के पीछे की रणनीति बना रही है मायावती, और क्या आने वाले समय में आकाश जो है वो बहुजन समाज पार्टी को संभाल सकते हैं, मायावती का साथ दे सकते हैं, उत्तराधिकारी के तौर पर भी देखा जा सकता है? और क्या वाकई अगर आकाश को सामने लेकर आती है मायावती तो क्या वाकई युवा वोट बैंक बढ़ सकता है बसपा का? जबकि मायावती को भी पता है कि अब युवाओं का भी अच्छा खासा रुझान हो रहा है राजनीति में, तो ऐसे में बसपा ही इकलौती ऐसी पार्टी बच रही थी जिसमें कोई युवा नेता नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे वो अपने भाई के बेटे को आगे बढ़ा रही हैं। तो क्या इसके मायने निकाले जा सकते हैं? क्या आने वाले दिनों में मायावती के साथ कदम से कदम मिलाते हुए नजर आ सकते हैं आकाश? बहुत सी बातें हैं, इन सभी सवालों के जवाब देंगे एडिटोरियल हेड एडविन नमन सर। सर, आपका बहुत स्वागत है। लोकसभा 2019 का जो है महासंग्राम उत्तर प्रदेश में बहुत दिलचस्प है। अखिलेश यादव युवा नेता है, उनसे तो ताल में ताल मिला ली है मायावती ने, अब अपने भतीजे को भी लॉन्च करने की तैयारी में। क्या वाकई 2019 अभी चुनावों से पहले हो जाएगा या बाद की कोई रणनीति बना रही है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, अब जब बसपा को देखते हैं तो बसपा की शुरुआत जो इन्होंने की काशीराम जी वो इसलिए शायद मजबूत थे कि उनके पास मायावती जैसी होनहार महिला नेता थी, और हर लेवल पर उन्होंने खुद को प्रूव भी किया, हर लेवल पर खुद को पार्टी के लिए समर्पित भी किया। यहाँ तक कि पार्टी के तौर पर वो एक शीर्ष पद पर भी रही, CM भी रही, और अब देखिए उम्र लगातार बढ़ रही है, ऐसे में उनको भी एक पार्टी के लिए ऐसा उत्तराधिकारी चाहिए जो पार्टी को संभाल सके, पार्टी तो को आगे लेकर जाए। और कई बार ऐसा बात सामने निकल रहा है कि कांचीराम के पास मायावती थी, मायावती के पास कौन है? क्या कोई एक चेहरा है जो आगे आ सके या उनकी विरासत को संभाल सके? क्या कोई चेहरा है? बहुत सारे नाम सामने आए और कई नामों पर चर्चाएं भी हुई, कई नामों पर लगातार सुर्खियां भी बटोरी गई कि क्या ये अगले बसपा सुप्रीमो बन सकते हैं, इसको लेकर लगातार चर्चा हुई। लेकिन अब चूंकि चर्चा इस मुकाम पर आ गई है कि यूपी में 23 साल पहले जो उनके साथ में आपस में गठबंधन की जो गांठें खुल गई थी या गठबंधन नहीं हो पाया था, एक बार फिर दोनों ने अपनी पुरानी रंजिश को, दुश्मनी को भुलाते हुए साथ में आने का फैसला किया है। और ऐसे वक्त पे जब लग रहा है कि हमारी स्थिति यूपी में मजबूत हो रही है, मायावती अपने भतीजे यानी कि आकाश को लॉन्च करने जा रही है। और दूसरी बात महत्वपूर्ण ये भी है कि आकाश खुद भी, जैसे मायावती के छोटे भाई आनंद के बेटे हैं, तो एक दलित चेहरा भी कहीं ना कहीं मायावती को चाहिए, क्योंकि अगर आप यूपी की राजनीति को देखते हैं तो कहीं ना कहीं मायावती आज भी जो दलित वर्ग है उसका सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरी हुई है, आज भी सबसे बड़ा चेहरा वो मानी जाती हैं। ऐसे में उनको अब अगर दलित चेहरा ही कोई चाहिए था तो उन्होंने अपने भाई की बेटे को आगे मेरे ख्याल से लेकर आए, इसीलिए हालांकि पुष्टि नहीं है, लेकिन जिससे लगातार तस्वीरों में वो दिखाई दे रहे हैं, लगातार मायावती के करीब वो दिखाई दे रहे हैं, इसका साफ संकेत है कि जरूर इतने साल की राजनीति के जो दाव पेच मायावती जी ने सीखे हैं वो जरूर अपने भतीजे को भी देना चाहती होंगी, बताना चाहती होंगी और उन्हें सिखाना चाहती होंगी। तो यही वजह है कि लगातार वो तस्वीरों ना सिर्फ नजर आ रहे हैं बल्कि कहीं ना कहीं सुबह शुरू हो गई है कि क्या
आकाश आने वाले उत्तराधिकारी हैं बसपा के। जी, आने वाले उत्तराधिकारी हैं और निस्संदेह की जरूरत भी है बहुजन समाज पार्टी में, क्योंकि लगातार युवा नेताओं की एक फौज तैयार हो रही है पूरे उत्तर प्रदेश में या पूरे हिंदुस्तान में। अगर बात की जाए जैसे कि दलित नेता की बात की, जाहिर सी बात है कोई दलित बड़ा नेता जो है उभरा नहीं है राजनीतिक परिदृश्य में अगर हिंदुस्तान में देखा जाए। हालांकि हम भीम आर्मी के जो अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर उर्फ रावण, अगर उनका जिक्र भी कर ले तो वो उनकी भी एक रसूख है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर मायावती आकाश को लेकर आती हैं तो इससे कहीं ना कहीं वो चंद्रशेखर के राजनीतिक करियर या उनकी उनकी जो जो बढ़ रहा है उनका वर्चस्व पर भी नकेल कर सकते हैं। सीधी बात ये भी है कि अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश और राजस्थान सब छत्तीसगढ़ जिस तरह से मायावती खुलकर लड़ी है और जिस तरह कहीं ना कहीं उनको वोट भी मिले हैं, सीटें भी कई जगह से एमपी और राजस्थान से सीटें मिली है, तो ये साबित जरूर कर रहा है कि मायावती के नाम पर वोट अभी भी लोग देने को तैयार है। मायावती को जो दलित वर्ग खासकर वो अभी भी उनसे अलग नहीं होना चाहता, उनके साथ ही आगे बढ़ना चाहता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मायावती को भी एक मजबूत स्तंभ चाहिए पार्टी के लिए जो मजबूती से आगे बढ़ सके। इसका एक पक्ष और भी है कि मान लीजिए अगर कल की डेट में अगर बीजेपी को पूरी सीट नहीं मिलती है, ऐसे में अगर जो गठबंधन की राजनीति की अगर हम बात करते रहे हैं अभी तक, अगर ऐसे में क्या उसका एक चेहरा मायावती हो सकती है? अगर उसका चेहरा हो सकती है तो भी यूपी की राजनीति कौन संभालेगा? तो ये चीजें इसको लेकर मायावती अभी से आकाश को परिपक्व करना चाहती है, धीरे धीरे अपने साथ लेकर जाना चाहती है। और मेरे ख्याल में ये बेहतर माहौल भी है, अगर आप देखेंगे यूपी में एक बेहतर माहौल बसपा के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर इससे पहले आप देखेंगे तो सपा ने पूरी तरह सफाया किया, उसके बाद जिस तरह से योगी या यूं कहें बीजेपी ने जिस तरह से आके पूरी तरह से दोनों पार्टी को सफाया कर दिया वो कहीं ना कहीं चिंता का सबब था। लेकिन हाँ, जिस तरह से कमबैक किया है, 3-4 सीटें लगातार जिस तरह से मिलजुल कर इन लोगों ने जीती हैं, चाहे किराने की बात करिए आप, चाहे गोरखपुर की बात करिए, फूलपुर की बात करिए, ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि अब जो है स्थिति बेहतर है बसपा के लिए भी यूपी में। तो इस ऐसे बेहतर वक्त में वो अपने जो भतीजा है, अपना जो एक उत्तराधिकारी है, तुरुप का एक जो भी आप उसको कह सकते हैं, उसको वो सामने ला सकती है, सामने ला सकती है। लेकिन अगर देखा जाए तो आकाश की जो हाव भाव है, जो उनकी प्रेजेंस है, अगर उनकी फिजिकल अपीयरेंस पे गौर फरमाया जाए, वो अभी इतने परिपक्व है नहीं बिल्कुल, कि बिल्कुल। वो अभी रैली में पहुंच सके, वो लोगों से कम्युनिकेट कर सके, वो लोगों को रिझा सके, जनता के बीच जा सके, अभी उनके अंदर वो आत्मविश्वास नहीं पनपा है और उस आत्मविश्वास को पनपने में अभी समय लगेगा। हो सकता है अभी लोकसभा चुनाव तो बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, शायद 2022 की जमीन तैयार कर रही है। बिल्कुल 2022 की जमीन तैयार कर रही है। दूसरा मसला ये भी गायत्री जी की, देखिए वो विदेश में पढ़ के आए, उन्हें अभी समझना है पूरे देश को, पूरी राजनीति को समझना है। और जो बंदा जो लड़का यंग है, बहुत युवा है, मुझे लगता है कि होनहार भी होगा, जब मायावती ने उसको अगर चुना है इसका मतलब मायावती जी किसी ऐसे पे दाव तो नहीं लगा देंगे। अगर वो दाव लगा रहे, सबसे बेहतर बात कि मायावती ने अब तक अपने परिवार को इन्वॉल्व नहीं किया है राजनीति में सीधे तौर पर। आप देखेंगे हालांकि आनंद उनके भाई एक बार उपाध्यक्ष या पार्टी के लिए काम सक्रिय रह चुके हैं, लेकिन कोई बहुत ज्यादा आगे तक नहीं आए वो। और यही वजह है कि उन्होंने परिवार को राजनीति से अलग ही करके रखा है। और लगातार ये कहा जाता रहा है कि क्या जो उनका उत्तराधिकारी होगा, क्या जो अगला कोई सुप्रीमो होगा बसपा का, वो क्या उनके घर से होगा या फिर वो चेहरा कोई और हो। कई नाम ऐसे आए, राजाराम जो जी आजम घर से हैं, उनका भी नाम भी सामने कई बार आया कि क्या वो अगला चेहरा है। लेकिन देखिए अब जिस तरह से आकाश का नाम सामने आया, इसका मतलब दो ही मायने हैं, एक तो उनके घर परिवार से है वो, दूसरी कि दलित का एक चेहरा बसपा का रहा है। हो सकता है उस नाते भी वो अपने भतीजों को इंट्रोड्यूस कराना चाहते हो। लेकिन हाँ, इस समय मैं कहूंगा बसपा के लिए माहौल सुखद हो सकता है आने वाले लोकसभा चुनाव। और वैसे भी सर देखिए, अगर अगर परिवारवाद की बात करते हैं तो सोनिया गांधी ने अपने बेटे राहुल गांधी पर विश्वास किया, भले परिपक्व हो ना हो वो बात की बात है। मुलायम सिंह ने अखिलेश यादव आपको के भले अखिलेश ने बागडोर जबरदस्ती ली हो या मुलायम सिंह ने खुद दी हो। इधर आप देखिए शिवपाल की पार्टी में भी उनके उनका कारवा उनके बेटा आदित्य यादव बढ़ा रहा है। अब उधर बिहार में से देख लालू प्रसाद यादव अस्पताल में भर्ती है, लेकिन उनके दोनों बेटे जो है कमान संभाले हुए हैं। तो हर जगह कहीं ना कहीं बेटे की बेटे का ही रसूख, जाहिर सा पिता की विरासत को बेटा ही आगे बढ़ाता है। अब मायावती का तो कोई कोई विरासत है नहीं, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि उनका भतीजा ही विरासत आगे बढ़ा सकता है अगर मायावती चाहेंगी तो। और उसको इंट्रोड्यूस करने के मायने भी साफ यही निकल रहे हैं कि मायावती की नजर अब युवा वोट बैंक पर, क्योंकि वो भी ये समझ रही है कि युवाओं का युवा वोट बैंक की भी अच्छी खासी तादाद अब देश में बढ़ रही है। जी बिल्कुल, देखिए आपने 3-4 एग्जांपल दिए। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कहते जी, कहीं ना कहीं युवाओं को दिखा के आप ये भी संकेत देना चाहते हैं कि हम हमारी जो सोच है वो अब आने वाली पीढ़ी को लेकर ज्यादा साफ क्लियर है कि हम उनके हाथों में पार्टी कमान देना चाहते हैं, उनको सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आप भी राजनीति में आइए और आपकी सोच और आज की युवा की सोच दोनों में जिस तरह का तालमेल, बिल्कुल तालमेल बैठेगा तो ये पार्टी के हित में भी कहीं ना कहीं बढ़कर आएगा। क्योंकि अगर
अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी आबादी हमारे देश में युवाओं की है, ऐसे में नजर सबकी वही है, जो आपने कई सारे एग्जाम्पल लेना है। और बिल्कुल वास्तव में बात यही है कि जो विरासत होती है कहीं ना कहीं परिवार का व्यक्ति उसको अच्छे से आगे बढ़ा सकता है, नजदीक विश्वास भी इंसान अपनों पर ही करता है। भले अखिलेश से मुलायम सिंह की लाख तलखियां होंगी, लेकिन वो उनको पता है कि अखिलेश उस कमान को संभाल सकते हैं, ये भी हो सकता है। जैसे मायावती अब उन्होंने अपने भाई को हटा दिया क्योंकि उनपे भी परिवारवाद के आरोप लगे, क्योंकि वो परिवारवाद के खिलाफ रही है। अब ऐसे में उनके बेटे को अगर आगे लाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि मायावती ने कुछ सोच समझ के आकाश को ट्रेनिंग दे रही होगी। और ऐसे में सर सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्या आकाश जो इतनी नौजवानों की फौज तैयार हो रही है पूरे देश में नौजवान नेता, उसके बीच अगर उनको लाती भी है मायावती तो कितने सफल हो सकते हैं? देखिए अभी तो जल्दबाजी बात कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, अभी राजनीति में अभी देख रहे हैं, परख रहे हैं, पूरे देश के माहौल को जानने की कोशिश करेंगे जरूर, क्योंकि रैलियां आने वाले दिनों में बहुत सारी होने वाली है, उसमें जरूर मायावती के साथ नजर आएंगे, सीखेंगे कैसे लोगों के बीच जाना, कैसे लोगों से बात करनी है, किन किन मुद्दों पर ज्यादा लोगों को का फोकस करवाना है, ये सब चीजें अब धीरे धीरे आते आते आएंगी। लेकिन हाँ देखिए लिखे पढ़े हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर लिखे पढ़े हैं, अगर लिखे पढ़े व्यक्ति ये लोग हमारे राजनीति में आ रहे हैं तो ये अच्छी पहल है। कम से कम वो सोच समझ एक अलग तरह की होती है, युवा के रोजगार की बात कर सकते हैं, युवाओं के लिए जो आने वाले टेक्निकल जो चीजें होती हैं उनकी ट्रेनिंग या इस तरह की जो है उसके लिए बात कर सकते हैं, तो एक अच्छा माहौल और मौका हो सकता है कि अब जो युवा चेहरे हैं, खासकर लिखे पढ़े युवा चेहरे हैं, वो सामने आ रहे हैं और ये लोगों के लिए और लोगों की जो हमारे देश की जनता उनके लिए बहुत ही सुखद है। एक बात अगर कही जाए, बसपा का जो जनाधार है वो है तो सभी धर्मों जातियों का, लेकिन अगर स्पेसिफाई किया विशेषकर दलितों का ही जनाधार ज्यादा है बसपा का, तो ऐसे में अगर दलित युवा नेता खुलकर सामने आता तो जो दलित जनता है, दलित जो युवा नेता है, वो कहीं ना कहीं आकाश से जो है वो कहीं ना कहीं अटैच हो जाएंगे। और जो कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी होती है कि अमूमन हम लिखाई पढ़ाई को तो तवज्जो नहीं देते कई बार, जो हम छोटे परिवारों में देखते हैं या गरीब परिवारों में देखते हैं, लेकिन ऐसे जब चेहरे निकल के सामने आते हैं कि आकाश जो चेहरे निकल दलित आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेट भी करते हैं, देखिए हम विदेश में भी पढ़ के आ रहे हैं और आपको भी हम पढ़ाई में और बेहतर करवाएंगे, सिर्फ रिजर्वेशन की बात नहीं करेंगे बल्कि हम आपके लिए और मौके तलाशेंगे, मौके बनाएंगे। तो एक स्वच्छ और बेहतर राजनीति का मैं सोचता हूँ माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जितने भी मैं अमूमन इस समय चेहरे देख रहा हूँ वो लिखे पढ़े लोग हैं, चाहे वो उद्धव ठाकरे के बेटे हों या अखिलेश हों या खुद आकाश की आप बात कर लीजिए, तेजस्वी की बात कर लीजिए, ये वो चेहरे निकल कर आ रहे हैं जो लिखे पढ़े हैं और लोगों के बीच जाकर बेहतर तरीके से बात को रख पा रहे हैं। गुजरात से एक दलित इतना निकला जिग्नेश मेवानी के नाम पर, हालांकि उनका भी अपना एक वर्चस्व, हालांकि वो किसी पार्टी के सहारे नहीं, उनकी भी तारीफ करनी पड़ेगी कि वो बिना किसी पार्टी के सहारे अपना नाम बनाने में कामयाब हो रहे हैं धीरे धीरे। और ऐसे में आकाश जो है वो बुआ के सहारे आगे बढ़ सकते हैं। सर ज्यादा एक सवाल बस यही है कि आकाश आनंद अगर आते हैं सियासी पृष्ठभूमि पर, मायावती अगर उनको लेकर आती हैं, तो किस तरह से वो खुद को आगे बढ़ा सकते हैं? और दूसरी सबसे बड़ी बात तो ये है कि अखिलेश यादव से जो गठबंधन हुआ है मायावती का, हालांकि ये सवाल थोड़ा सा अलग है, तो ऐसे में अखिलेश भी युवा नेता है और आकाश भी एक युवा नेता आगे आने वाले समय में साबित हो सकते हैं, तो ऐसे में कोई टकराव होने की संभावना है? देखिए टकराव तो हमेशा होगा गायत्री जी, क्योंकि इससे पहले आपको मैं आगे बढ़ाऊं बात, दोनों दल हैं और दोनों अलग अलग दल हैं, बसपा और सपा दोनों मुख्य तौर पर अलग अलग दल हैं, गठबंधन क्योंकि अभी आपको एक बड़ी पार्टी को हराना है इसलिए आप एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं आके, और सीटों का बंटवारा करके कौन सी मजबूत है कौन सी कमजोर, उस आधार पर आप सीटों को बांटकर चुनाव लड़ रहे हैं। अब आप बात कह रहे हैं कि आने वाले दौर में बिल्कुल क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम ये तय करके नहीं मान सकते कि ये गठबंधन एक साल का, दो साल का, पांच साल का, दस साल का, कोई तय नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आपसी तालमेल बेहतर है तब तक गठबंधन बेहतर है, जहां वो तालमेल गड़बड़ाएगा खराब होगा गठबंधन की गांठें खुल जाएंगी। तो ऐसे में बिल्कुल कॉम्पिटिटर है और आने वाले दिनों में जिससे कि राजनीति हमें देखने को मिलेगी, मायावती से उनको सीखने को मिलेगा बहुत कुछ, तो ये एक परिपक्वता जरूर लेकर आएगा आने वाले चुनावों में। आकाश जो है वो मायावती के लिए एक सुनहरा भविष्य हो सकते हैं, बहुजन समाज पार्टी के लिए, दलितों के लिए, दलित युवा नेताओं के लिए, देश के लिए एक सुनहरा भविष्य के हम उनमें खोज सकते हैं। देखिए बिल्कुल अगर आने वाले दिनों उनके काम की शैली से पता चलेगा किस तरह से वो देश के हित के लिए काम करते हैं, देश के युवाओं के लिए काम करते हैं, किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, ये थोड़ा देखना होगा। लेकिन हाँ मैं ये कहूंगा जैसे लिखे पढ़े लोग राजनीति में आ रहे हैं वो सुखद है, वो वाकई जाहिर सी बात है। और जब ये बात मैं कर रही थी तो मुझे राजन भैया का भी नाम सामने आ गया, उनके तो दो बेटे इतने यंग नहीं है, 20 साल के नीचे हैं उनके बेटे, जब इलाहाबाद में जाकर जनता को संबोधित कर सकते हैं, तो सोचे किस तरह से राजनीति का जो है अब राजनीति करवट ले रही है, राजनीति का दूसरा रूप भी सामने आ रहा है। यानी कुल मिलाकर फिलहाल मायावती जो है उत्तराधिकारी के तौर पर आने वाले समय में आकाश आनंद को घोषित कर सकती है कि वो है बसपा के उत्तराधिकारी, लेकिन ये कहना भी थोड़ी सी जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी आज की आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन हाँ पर्दे के पीछे मायावती जरूर तैयार कर रही है बसपा के लिए एक बड़ा, एक सुनहरा, एक तुरुप का एका, वो आकाश आनंद हो सकते हैं, पूरी इसकी संभावना जताई जा रही है। देखना होगा कि लोकसभा चुनाव के लिए आकाश को
के लिए कुछ गेम खेलती हैं, कुछ प्लान करती हैं मायावती, या सीधे वो उत्तर प्रदेश साल 2022 में जो वहां पर इलेक्शंस होंगे विधानसभा चुनाव के लिए, उसके लिए वो सरजमी बना रही हैं आकाश की। लेकिन कुल मिलाकर बसपा के लिए खुशखबरी ही है कि अगर आकाश आते हैं तो कहीं ना कहीं एक युवा वोट बैंक जरूर खिंचकर आ सकता है बहुजन समाज पार्टी की तरफ। तो दर्शकों, आज लोकसभा 2019 के से जुड़ा था ये खास मुद्दा। कल होगी आपसे फिर मुलाकात। शुक्रिया मंसर, नमस्कार दर्शकों।